Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your channel. Myself, Abhishek Kumar. I am your Biology Mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. So start today's topic. So today's topic is skeletal system of frog. So in this particular video, we talk about each and everything bit related to skeletal system of frog. What is ureotelic? What is amniotelic? Each and everything we discuss in this particular video. So I hope you will enjoy this video. Let's stop without wasting any time. So first we read what is written in NCERT textbook. After that, elaborate each and everything with simple and easy manner. So let's begin. So the elimination of nitrogenous base carried out by a well-developed excretory system. यानी जो frog होता है, frog हमारा क्या होता है, small vertebrate होगा. Frog को हम क्या बोलते हैं, ये vertebrate में आता है. किस type का vertebrate होता है, ये स्मॉल वर्टिब्रेट होता है. अब ये भाई वर्टिब्रेट है, स्मॉल वर्टिब्रेट है, तो इसमें स्केलेटरी सिस्टम सारे के सारे सिस्टम जो होंगे वेल डेवलप होंगे, क्योंकि जो वर्टिब्रेट होते हैं ना वो एडवांस होते हैं. उसमें सारे के सारे स्केलेटरी सिस्टम होंगे, मतलब स्केलेटरी सिस्टम होगा, हर टाइप के सिस्टम पाए जाएंगे, है ना. डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं ये बॉडी में पाए जाएंगे और वो वेल डेवलप होंगे और वेल फंक्शन होंगे, यानी अच्छे से डेवलप होंगे और अच्छे से फंक्शन कर रहे होंगे. ठीक है. द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर क्या होंगी, किडनी होंगी, और क्या होगा, यूरेटर होंगे. यूरेटर कितने होंगे, यूरेटर वन पेयर यूरेटर होंगे. ठीक है. एक क्लोएका होगा, क्लोएका जो होगा वो कॉमन ओपनिंग होती है, किसके किसके लिए, स्पर्म के लिए, यानी जो मेल का स्पर्म होगा वो भी क्लोएका से निकलेगा. और क्या आएगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट आएगा, वो फीकल मेटल भी आएगा. एक्सक्रीटरी वेस्ट यानी यूरिन आएगा, जो ये भी क्लोएका में आएगा, और फीकल मेटल आएगा वो भी क्लोएका में आएगा, रेक्टम के थ्रू क्लोएका में आएगा. और यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरिनरी ब्लैडर कितना होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा वन. ठीक है, वन यूरिनरी ब्लैडर होगा. इसमें क्या होगा, जो क्लोएका होता है कॉमन ओपनिंग फॉर स्पर्म के लिए होता है और यूरिन के लिए होता है और फीकल मेटल के लिए होता है, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. बट जो फीमेल कॉकरोच होती है उसमें वे डिफरेंट होता है, यानी उसमें जो सेपरेट ओपनिंग होती है, यानी उसके ओवा के लिए अलग सेपरेट ओपनिंग होगी और इसके फीकल मेटल और स्केलेटरी प्रोडक्ट के लिए अलग ओपनिंग होगी, जो कि क्लोएका में आके खुलेंगे बट अलग अलग. ठीक है, आगे देखते हैं. दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ए लिटिल पोस्टीरियर इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं सारे के सारे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, डार्क कलर के होते हैं, ये मतलब डार्क कलर के बीन सेप होंगे, जो कि लिटिल पोस्टियरली, जो कि लिटिल सिचुएटेड इन लिटिल पोस्टियरली, यानी पीछे की तरफ सिचुएटेड होंगे, और द बॉडी कैविटी ऑन वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के, मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई, ठीक है, वर्टिब्रल ये कॉलम हो गई, तो इसके पीछे के साइड पे सिचुएटेड होंगे, ऐसे इस टाइप से ये सिचुएटेड होंगे वर्टिब्रल कॉलम के, यानी पोस्टीरियर साइड पे. कहाँ पे, पोस्टीरियर साइड पे, और बोथ साइड बोला, यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ ये. ठीक है, ये जो किडनी वगैरह होंगी यहाँ पे ये सिचुएटेड होंगी, क्योंकि किडनी जो होता है वो रेटोपेरिटोरियन ऑर्गन होता है. किडनी जो क्या, किडनी होता है वो क्या होता है, किडनी जो होता है वो क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है ये, मतलब रेट्रो मतलब पीछे साइड, पेरिटोनियम के पीछे साइड में पाया जाएगा. ठीक है, समझ गए होंगे आप. आगे देखते हैं, ये सारे के सारे वर्टिब्रल कॉलम के अगल बगल पाए जाते हैं बोथ साइड पे. ठीक है. ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन. जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, तो हम सभी जानते हैं क्या होती है. किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन्स होती है. नेफ्रॉन्स को और इसमें क्या बोला गया है, यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स. ठीक है. ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
जिसको यूरिनरी ट्यूबल्स और नेफ्रॉन बोलते हैं, प्रत्येक किडनी में होते हैं ये। बहुत सारे सेवरल स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जो कि इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिनको यूरिनरी फ्लूइड्स, ट्यूबल्स और नेफ्रॉन बोलते हैं। आगे देखते हैं, टू यूरेटर मतलब वन पेयर, टू का मतलब हुआ, तो यानी यहाँ पे कितने आएंगे, वन पेयर आएंगे, ठीक है। वन पेयर यूरेटर होते हैं, वन पेयर ही क्या होती हैं, किडनी होती हैं, ठीक है। टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन मेल फ्रॉग, दो यूरेटर जो होते हैं वो किडनी से निकलते हैं, इमर्ज फ्रॉम किडनी, ठीक है, मेल फ्रॉग में, ठीक है। द यूरेटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब क्या होता है, जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब होता है जो डक्ट यूरिन लाएगी, है ना, यूरिन लाएगी। जैसे ओविडक्ट होगा तो ओविडक्ट वो क्या लाएगी, ओवा लाएगी। यूरिनोजेनाइटल डक्ट होगी तो यानी वो यूरिन लाएगी, जो कि कहाँ पे ओपन होगी, वो कहाँ पे ओपन होगी, क्लोइका पे। मैंने आपको बताया जो क्लोइका होता है वो यूरिन के लिए, स्पर्म के लिए और फीकल मेटल के लिए, तीनों के लिए एक ही रास्ता होता है मेल फ्रॉग में, ठीक है। द यूरेटर एक्ट एज द यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इन टू द क्लोइका, जो कि क्लोइका में खुलता है। यूरेटर होता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के तरीके काम करता है और क्लोइका में खुलेगा। आगे देखते हैं, द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोइका, यानी जो फीमेल फ्रॉग होती है उसमें जो ओविडक्ट होगा, यानी जो ओविडक्ट जो है वो ओवा लाएगा, ओवा इससे आएगा, है ना, ओवा के लिए रास्ता। और जो यूरेटर होगा उससे क्या आएगा, यूरिन आएगा, ये सभी जानते हैं। ये आके कहाँ पे खुलेंगे, क्लोइका पे आके खुलेंगे, बट इनकी जो ओपनिंग होगी वो अलग अलग होगी, है ना, इनकी जो ओपनिंग होगी वो अलग अलग होगी, सेपरेट ओपनिंग होगी, बट आके ही क्लोइका में खुलेंगे ये। आगे देखते हैं, द थिन वॉल यूरिनरी ब्लेडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम विच आल्सो ओपन इन द क्लोइका, जो एक थिन वॉल यूरिनरी ब्लेडर होगा, यानी इनका जो यूरिनरी ब्लेडर होगा वो भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल टू रेक्टम, यानी रेक्टम से वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, और वो आके कहाँ पे खुलेगा, क्लोइका पे आके खुलेगा। तो क्लोइका क्या हुआ, क्लोइका तीन चीज़ के लिए कॉमन हो गया, यानी क्लोइका में मेल फ्रॉग में क्या था, उसके स्पर्म आएंगे, है ना, और यूरिन आएगा और फीकल मेटल आएगा, आके क्लोइका में खुलेंगे। बट फीमेल फ्रॉग में क्या था, ओवा के लिए अलग रास्ता था, यूरिन के लिए अलग रास्ता था, वो आके क्लोइका में खुलेगा, ठीक है, सेपरेट ओपनिंग होगी उनकी। तो आगे देखते हैं, द फ्रॉग सिक्रीट यूरिया एंड दस इज ए यूरियोटेलिक एनिमल, जो फ्रॉग होता है वो यूरिया को सिक्रीट करता है, यानी यूरिया सिक्रीट करेगा, यानी उसकी बॉडी से जो होगा यूरिया वेस्ट मटेरियल के तरीके निकलेगा, ठीक है। सो जो फ्रॉग, इसमें एक्सेप्शन है, जो फ्रॉग का टोड होता है, एडल्ट फ्रॉग जो होगा वो क्या करेगा, यूरिया को एक्सक्रीट करेगा, और जो टोड फ्रॉग होगा वो क्या करेगा, अमोनिया को एक्सक्रीट करेगा। अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए, यानी इलिमिनेशन के लिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, है ना, अमोनिया जो होती है हाईली टॉक्सिक होता है। जो फ्रॉग का टोड होता है वो वाटर में रहता है, लैक ऑफ वाटर, यानी प्लेंटी ऑफ वाटर पे ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे बहुत पानी होगा तो वहाँ अमोनिया एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। जो फ्रॉग का टोड होगा वो अमोनियोटेलिक होगा, और जो एडल्ट फ्रॉग होगा वो यूरियोटेलिक होगा, ठीक है, ये इसका एक्सेप्शन था। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस इज यूरियोटेलिक एनिमल, बट इसका जो वो टोड होता है वो अमोनियोटेलिक होता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाई ब्लड इन टू किडनी, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो कैसे आएगा, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा वो ब्लड के थ्रू जाते हुए किडनी में, ब्लड का सर्कुलेशन किडनी में भी होता है, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा वो ब्लड में जाके मिल जाएगा और किडनी में जाएगा, उसके थ्रू वो सेपरेट किया जाता है ना, वहाँ पे वो सेपरेट किया जाएगा, कौन एक्सक्रीटरी वेस्ट है कौन नहीं है, जो हमारे काम का होगा, यानी जो फ्रॉग के काम का होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बिना काम का होगा यानी वेस्ट होगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, यानी आगे भेज दिया जाएगा। तो यही इसमें बताया गया था, एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाई ब्लड इन टू किडनी, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है ब्लड से किडनी में आता है ना, वेयर इट सेपरेटेड एंड
वहाँ पे सेपरेट किया जाता है और स्क्रेटेड किया जाता है, वहाँ से वो निकाल दिया जाता है, क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था फ्रॉग के सेक्रेटरी सिस्टम के बारे में, वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में, उसमें हम फ्रॉग के नर्वस सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप आप यू लाइक माई सेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो विद फ्रेंड। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, वॉच द वीडियो एंड कीप सपोर्ट।